के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सपा ने अपने पूर्वधा मुलायम सिंह यादव की मनाई पुण्यतिथि। कार्यकर्ताओं ने उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प। उत्तर प्रदेश स्थायी निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ का निर्वाचन हुआ संपन्न। नगर निगम प्रशासन को दी गई चेतावनी, सफाई कर्मचारी की 5 सूत्रीय मांगों को जल्द करे पूरा। नगर निगम में संभव जन सुनवाई का आयोजन। साफ सफाई, सीवर व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था एवं दाखिल खारिज की समस्याओं की रही भरभार। और गंगा के जलस्तर में घटाव के साथ ही घाटों पर जमा हुआ सिल्ट। सफाई कार्य में नाविक समाज के लोग युद्ध स्तर पर जुटे। और अब खबरें विस्तार से। सपा ने अपने पुरोधा मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई। कार्यकर्ताओं ने उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। समाजवादी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार मुलायम सिंह यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का जमावड़ा साहू बाग नाटी इमली पर हुआ। श्रद्धांजलि सभा में अपने नेता को याद कर सबकी आंखें नम हो गईं और ऐसा लग रहा था कि नेताजी अभी हम लोगों के ही बीच में हैं। नेताजी ने जीवन पर्यंत किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के हित के लिए संघर्ष करते रहे। नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों को आत्मसात किए और कहा था, देश की तरक्की समाजवादी के रास्ते से ही संभव है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने कहा कि हम सभी को आज संकल्प लेना है कि नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे और उनके आदर्शों पर चलकर गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के हित के लिए संघर्ष करेंगे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि नेताजी ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जो निर्णय ले लेते थे उस पर कायम रहते थे, चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़ी हो। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 1989 में नेताजी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले चुंगी समाप्त की, जिसका लाभ आज भी किसानों और छोटे व्यापारियों को मिल रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर बहादुर सिंह यादव ने कहा कि नेताजी हमेशा यही कहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आ जाती तब तक समाजवाद का आंदोलन जारी रखना। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से पूर्व महासचिव योगेंद्र यादव, डॉक्टर उमाकांत सिंह यादव, डॉक्टर दिलशाद अहमद, जाहिद नसीर, अनिल साहू, अजहर अली सिद्दीकी, आयान खान, डॉक्टर अजीत यादव, गोपाल यादव, आत्माराम यादव व अखिलेश मिश्रा, सुरेंद्र पटेल, महेंद्र यादव, सभा का संचालन योगेंद्र यादव एवं धन्यवाद ज्ञापन जितेंद्र यादव ने किया। एक वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि आज भी लगता है कि नेताजी हम लोग के बीच में ही है, यहाँ से गए नहीं है, क्योंकि उनकी नीति, उनकी नियत कितनी बढ़िया रही है आज देख रहे होंगे। सारे कार्यकर्ताओं में जितना जोश है, जितना उमंग है, सारे लोग चाहते हैं कि नेताजी हम लोग के बीच में से गए नहीं है, नेताजी हम लोग के बीच में है। और हम लोग आज इस कार्यक्रम का तो हमको याद कर रहे हैं, खाली ऐसे याद नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग इस बात के लिए प्रण ले रहे हैं, इस बात के लिए मन बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस मुल्क से, इस सूबे से, इस सरी गली सरकार, इस बेईमान हुकूमत को हम लोग किसी भी तरह से इसको बदलेंगे, इसको हटाएंगे। उत्तर प्रदेश स्थायी निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ का निर्वाचन संपन्न हुआ और नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी गई कि सफाई कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करें, अन्यथा सफाई व्यवस्था ठप पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश स्थायी निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ का चुनाव व अधिवेशन नगर निगम स्थित संघ कार्यालय में संपन्न हुआ। चुनाव में पर्यवेक्षण के रूप में अजय कुमार मुखर्जी सचिव अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस व चुनाव अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, सह चुनाव अधिकारी मनोज कुमार, नगर अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष में के देखरेख में संपन्न हुआ। चुनाव में 21 कार्यकारिणी सदस्यों का निर्विरोध चुनाव किया गया। जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार भारती निर्विरोध निर्वाचित हुए और इन्हें अतिरिक्त प्रभार शाखा नगर निगम वाराणसी का कार्यवाहक अध्यक्ष का भी दायित्व सौंपा गया। शाखा नगर निगम की घोषित अधिकृत पदाधिकारी निम्नवत हैं: रामनाथ शास्त्री अध्यक्ष, अशोक कुमार, राजेंद्र प्रसाद, विनोद यादव, अशोक कुमार, रामचंद्र मेहता, महामंत्री वासु चंद्रा, बानु महेंद्र, अनिल कुमार भारतीय, राजू वाल्मीकि, राजकुमार, राजकुमार सुनीता देवी, दिनेश कुमार चंदन, जगदीश गोविंद पाल,
राजू, शनि, राजीव कुमार वाल्मीकि, देव कुमार महेंद्र निर्विरोध निर्वाचित किए गए। प्रदेश अध्यक्ष सोनचंद वाल्मीकि शाखा नगर निगम ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई और कहा कि नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी चाहे वह स्थायी हो या संविदा कर्मी हो, उनके साथ अधिकारियों द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। जबकि काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्वच्छता के संदेश को लेकर प्रत्येक सफाई कर्मचारी एवं सुपरवाइजर दिन रात मेहनत करके शहर को स्वच्छ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि 5 सूत्रीय मांग जिसमें स्थायी कर्मचारियों की पदोन्नति, सुपरवाइजर पद पर संविदा कर्मी जिनमें कुछ को अलग मजदूरी दी जाती है और कुछ को श्रम विभाग द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, दोनों में भिन्नता है, समान किया जाना चाहिए। मृतक आश्रित की नियुक्तियां विगत 2 वर्षों से अपेक्षित हैं, उसे पूरा किया जाए। सफाई व्यवस्था में कार्य करते हुए किसी प्रकार से मृत होने, सफाई कर्मचारियों को शहीद का दर्जा देते हुए उनके आश्रित को तत्काल स्थायी पद पर नौकरी एवं विशेष अनुदान दिया जाए। जो संविदा कर्मी वर्ष 2005 से निरंतर सेवा कर रहे हैं उनका स्थायीकरण किया जाए। स्थायी कर्मचारियों के विलंबित ACP तत्काल लगाई जाए आदि मांग पूरी करने की मांग नगर निगम प्रशासन से की। तत्पश्चात सभी सफाई कर्मचारियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आदेश चाहिए, वरना नगर की सफाई व्यवस्था को हमें ठप करने जैसा कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। इस अवसर पर मुखर्जी शशिकांत श्रीवास्तव, सोमचंद वाल्मीकि, मनोज कुमार, राजेश आजाद, रामकृष्ण रावत, श्रवण भारतीय, संजय रावत, अनिल कुमार, अशोक कुमार, सूरज, द्रौपदी देवी, प्रभात कुमार, प्रेम कुमार, कमलेश लाल बाबू, संजीव, रविंद्र कुमार मेहता, अशोक कुमार, रामचंद्र, गंगा चौधरी, अजय, विजय पाल, संतोष कुमार आदि ने अधिवेशन को संबोधित किया। निजीकरण समाप्त हो, यदि निजीकरण समाप्त नहीं करते हो तो हमको जो आउटसोर्सिंग में रखे गए कर्मचारी हैं उनको परिचय पत्र कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया जाए, ECS कार्ड दिया जाए, उनकी जो वेतन से कटौती काट के करोड़ों रुपए के घपलेबाजी इधर उधर हो रही है उनका लेखा जोखा उनको दिया जाए। संविदा सफाई कर्मचारियों के मामले में 431 सफाई कर्मचारियों के जो नवंबर 2014 से प्रकरण लंबित है उस पर मंडलायुक्त महोदय, नगर आयुक्त महोदय इस पर सकारात्मक पहल करें। दूसरा, पूर्व नगर आयुक्त शाही साहब ने जो 25-26 कर्मचारियों को, चयनित कर्मचारियों को काल पर वापस लिया, उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जबरन श्रम विभाग की जो न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है उसे विसंगति को तत्काल दूर करें। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय ये है कि 2 साल से ACP की सारी पत्रावली अधिष्ठान विभाग में लंबित है। नगर निगम में संभव जन सुनवाई का आयोजन हुआ जिसमें साफ सफाई, सीवर व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था एवं दाखिल खारिज की समस्याओं का अंबार रहा। वाराणसी के सिगरा स्थित नगर निगम कार्यालय पर नगर आयुक्त शिपु गिरी के नेतृत्व में जन सुनवाई के तहत मंगलवार को जन सुनवाई की गई, जिसमें भारी संख्या में शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत की, जिसमें प्रमुख रूप से साफ सफाई, सीवर व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था एवं दाखिल खारिज को लेकर मामले आए थे, जिसको लेकर नगर आयुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को जल्द शिकायत को निस्तारण के लिए निर्देशित कर दिया गया है। नगर आयुक्त ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में बड़े त्यौहार आने वाले हैं जिसको लेकर नगर निगम तैयारी में जुटा हुआ है। आज ही दुर्गा पूजा पंडाल समिति के सदस्यों द्वारा मीटिंग किया जाना है, पूरे त्यौहार को जीरो वेस्ट के तहत कार्य किया जाना है। आज के संभव जन सुनवाई में नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ज्यादातर शिकायतें सिमिलरली हमेशा सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, पेयजल को लेकर के आती हैं। कुछ जगहों पे म्यूटेशन को लेकर के विवाद जो होते हैं उसमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो जनरली कई प्रकरण में माननीय न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है, जैसा जो रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट अवलोकित किया जा सकता था उस एप्लीकेशन में संबंधित शिकायतकर्ता को बता दिया गया कि इसका विधिक निस्तारण इसी प्रकार से हो सकता है। बाकी जो भी शिकायतकर्ता आए थे हमने सभी से अपील किया है कि नगर निगम के गृहकर को अवश्य समय से दे दे और शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जी, आगामी दिनों में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं, जैसे आपका देव दीपावली आएगा जो विश्व प्रसिद्ध इवेंट रहता है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। हमारा निगम का पूरा संपूर्ण प्रयास है कि किसी लोगों को जितना अधिक सुविधाजनक एवं सुगम त्यौहारों के आयोजन में हो सके उसको हम लोग हेल्प करेंगे। आज हम लोगों ने एक बैठक भी रखी है, हमारे जो भी दुर्गा पूजा आयोजन समिति हैं जो विभिन्न वार्डों में हैं तो उनके साथ भी बैठकें की जा रही हैं ताकि जो भी हमारे त्यौहार हो रहे हैं वो क्लीन त्यौहार हो सकें, उसमें किसी प्रकार का वेस्ट जनरेशन, जीरो वेस्ट फेस्टिवल्स की तरफ हम लोग मूव कर सकें, तो यही हमारा प्रयास है, हम लोग सभी से सहयोग अपेक्षित। विगत जुलाई माह में हुए ट्रांसपोर्ट
व्यवसायी हत्याकांड में और दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जनपद के सारनाथ थाना क्षेत्र में जुलाई महीने में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की जाने के एक मामले में पुलिस ने दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर और साइबर सेल की मदद से मंगलवार को हत्या में शामिल शूटर जलंधर सहनी और मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को फरीदपुर आंट पास के पास से गिरफ्तार किया गया है। घटना का अनावरण करते हुए वर्णा जोन के डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया है। इस मामले में तीन आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। डीसीपी ने पारिवारिक विवाद में व्यवसायी की हत्या हुई थी, व्यवसायी के भाई ने ही शूटरों को हत्या करने की सुपारी दी थी। डीसीपी के अनुसार पकड़े गए शूटरों के पास से पुलिस टीम को 1 अदद 32 बोर पिस्टल, 3 अदद जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बाद में ये पूरे घटनाक्रम में आज उसमें जो जिन शूटरों के थ्रू हत्या करवाई गई थी उनमें से दो को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया जो प्रकाश में आया है कि राजकुमार यादव की अपने भाई से किसी पारिवारिक वजह से दुश्मनी थी, जिसमें उसका भाई जो कि गाजीपुर जेल में बंद है उसने अपने किसी साथी के थ्रू इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पे शूटर हायर किए गए और शूटर्स के द्वारा जो है ये हत्या कराई गई थी, जिसमें दो शूटर्स को आज गिरफ्तार किया गया। बाकी की जानकारी की जा रही है और बाकी के बारे में जल्दी हम उनको गिरफ्तार करके जेल में जाएंगे। इसमें जो आज जो जेल भेजा जा रहा है जालंधर सहनी, ये मर्डर के उसके खिलाफ मुकदमे हैं एवं अन्य भी मुकदमे हैं, जिसमें मर्डर के केस में 17 साल आजीवन कारावास की सजा भी काट चुका है। मऊ जनपद से मुकदमे इसके ऊपर है। साथ ही साथ ही मोहम्मद अहमद जिसको भेजा जा रहा है जेल, इसके खिलाफ विभिन्न जनपदों में आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, बिजनौर इत्यादि अलग अलग जनपदों में कम से कम 9 मुकदमे अभी तक हमारे प्रकाश में आए हैं जो इनके इसके खिलाफ लिखे हुए हैं, और ये भी अभ्यस्त अपराधी है। इन दोनों अभ्यस्त अपराधियों को आज जेल भेजा जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विद्यापीठ में अमृत कलश यात्रा का आयोजन हुआ। मंगलवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी एवं कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे के द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत छात्र अपने घरों से थोड़ी मिट्टी और चावल लेकर आए, फिर इस मिट्टी व चावल को अमृत कलश में एकत्र किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्रों द्वारा मिट्टी और चावल को कलश में एकत्रित करने के पश्चात पंच प्राण प्रतिज्ञा कुलपति जी द्वारा दिलाई गई, जो पंच प्राण प्रतिज्ञा के बाद यह अमृत कलश यात्रा पंत प्रशासनिक भवन के सामने से प्रारंभ होकर डॉक्टर भगवान दास अमृत वाटिका तक पहुंची। इस अमृत वाटिका में डॉक्टर भगवान दास के नाम का शिला फलकम की स्थापना भी की जाएगी। इस अमृत वाटिका में 75 स्वदेशी पौधों को लगाया जाएगा। इस दौरान उप कुल सचिव हरिश्चंद, कुलानुशासक प्रोफेसर अमिता सिंह, प्रोफेसर संजय, प्रोफेसर एमएम वर्मा, प्रोफेसर रमाकांत सिंह, प्रोफेसर भावना वर्मा, प्रोफेसर निमिषा गुप्ता, प्रोफेसर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर ध्यानेंद्र मिश्रा, डॉक्टर शशि प्रकाश आदि अनेक अध्यापक, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी व कर्मचारी गण एवं स्वयं सेवक उपस्थित रहे। मेरी माटी मेरा देश, इसमें हमारे विश्वविद्यालय में कई दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और ये एक लंबा प्रक्रम है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, फोक म्यूजिक के, खेल के, योगा के, नेचुरोपैथी के, लगभग सभी कलाओं के, परफॉर्मिंग आर्ट्स के, फाइन आर्ट्स के सभी कार्यक्रम हुए हैं। आज भी हम लोगों ने किया है और इसमें जो कलश यात्रा निकाली गई है उसमें मिट्टी और चावल दो चीज़ें, जैसा भी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था उसी के अनुरूप हम लोगों ने गांधी प्रतिमा से ये शुरू करके और हमारे जो छात्र कल्याण संकाय है वहाँ तक ये यात्रा निकाली और वहीं पर हमने अमृत वाटिका का एक उपक्रम बनाया है। वहीं पे उसके बाद जब ये कार्यक्रम हुआ उसके बाद पौधारोपण किया गया और छात्रों को एक शपथ भी दिलाई गई जिसमें उन्हें राष्ट्रीय मान्यताओं के प्रति, राष्ट्रीय चरित्र के प्रति एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा मिलेगी और हमें पूर्ण आशा है कि यदि इसी तरह बच्चों को संज्ञानित किया जाता रहेगा तो निसंदेह हम एक अच्छी पीढ़ी पैदा करने में सक्षम हों। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव
अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा है। रितेश पांडे काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। सच के साथ और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने को लेकर हर घर में सोलर अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के अंतर्गत प्रदेश के लिए 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वाराणसी शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना हेतु बूथ कैंप के माध्यम से हर घर सोलर अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 10 अक्टूबर को वार्ड नंबर 20 लाभार्थी रमेश चंद जायसवाल के छत पर स्थापित ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप संयंत्र क्षमता 3 किलोवाट, विनय कुमार राय के छत पर स्थापित 7 किलोवाट, गंगादास तिवारी के छत पर स्थापित 4 किलोवाट, संजय भारतीचार्य के छत पर स्थापित 5 किलोवाट, मृत्युंजय सिंह के छत पर स्थापित सोलर रूफटॉप संयंत्र का उद्घाटन एवं बूथ कैंप का रिबिन सेरेमनी अशोक तिवारी महापौर नगर निगम द्वारा किया गया। इसके उपरांत लाभार्थी को सील प्रदान किया गया। मेयर द्वारा अपने संबोधन में सोलर रूफटॉप योजना के लाभ से अवगत कराया गया। वरिष्ठ परियोजना अधिकारी यूपी नड्डा द्वारा अपने संबोधन में सोलर रूफटॉप योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी से समस्त उपस्थित जनमानस को अवगत कराया गया। उक्त कार्यक्रम में नगर निगम वाराणसी के संबंधित अधिकारी, प्रबंधन निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अधिकारी, वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि शशि कुमार गुप्ता, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी टू दशरथ प्रसाद, अर्पित सोलर शॉप के रत्नेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी के आने वाले समय जो हम बिजली खपत करते हैं वो हम अपने सोलर के द्वारा जितनी हमारी आवश्यकता है हम अपने छतों पर छोड़ दें। इसे दो फायदा होगा, एक जो उपभोक्ता है हमारे जैसे लोग हैं तो बिजली चार्ज उनका हमें लगता है कि 100% 100% कम हो जाएगा। दूसरा, सरकार जो बिजली बनाती है वो सब्सिडी पर जो देती है उसका राज्य सरकार तो धीरे धीरे उसका आत्मनिर्भर हमें आपको बनाना चाहते हैं हमारे प्रधान। गंगा के जलस्तर में घटाव के साथ ही घाटों पर सिल्ट जमा होने लगे हैं। सिल्ट की सफाई कार्य में नाविक समाज के लोग युद्ध स्तर पर लगे हैं। गंगा के जलस्तर में तेजी के साथ घटाव जारी है। गंगा घटाव के साथ अपने पीछे ढेर सारी दुश्वारियां छोड़कर जा रही है। काशी में चूंकि इन दिनों पर्यटकों की भरमार है, ऐसे में घाटों पर व्याप्त गंदगी से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में भी इस तरह की स्थिति थी, जिसको लेकर के सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ नगर निगम ने घाटों से सिल्ट की सफाई का कार्य शुरू किया था, लेकिन फिर से अचानक गंगा में बढ़ाव के चलते सिल्ट फिर से वहां जमा हो गई। इस सिल्ट को साफ करने के लिए गंगा के नाविक बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रहे हैं। नाविक समाज के नेता शंभु निषाद सिटी वाराणसी लाइव के साथ बातचीत में अपने टीम के द्वारा किए जा रहे कार्य को साझा किए। जो हमारी काशी है उधमपुर नगरी काशी है, तो इसमें पितरबक चल रहा है। पितरबक के समय में जो हमारे काशी में सैलानी आते हैं पुण्यनाम पूजा पाठ करने के लिए, मगर घाट का जो व्यवस्था है पानी घट जाने के बाद अभी कोई व्यवस्था नगर निगम यहाँ पर नहीं है। इतना करोड़ों अरबों रुपया हमारे काशी में पास हो रहा है, नमामि गंगे के नाम से इतना काम चल रहा है यहाँ पे घाट पे। इसमें जो दीपावली भी आने वाला है, ये बड़ा त्यौहार हमारे काशी में है, और इस समय घाट पर जो मटियाँ जम जाती हैं, मटियाँ अगर लोग साफ नहीं कर रहे, सफाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद बहुत सब तमाम तरह की समस्या है हमारे काशी में आ रहा है। इसमें डेंगू वाला इसमें चल रहा है कि डेंगू भी से बहुत लोगों को हो रहा है। गंदगी ज्यादा है, गंदगी की वजह से डेंगू हो रहा है, और जो पब्लिक यहाँ पे आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए, गंगा आरती में आ रहे हैं, पिंडदान पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, कोई मच्छर काट रहा है, उनकी बहुत दिक्कतें हो रही है। जब साफ सफाई रहेगा तभी तो घाट पर यात्री यहाँ पे आएंगे। लगातार यहाँ मिट्टी भी जमा हुआ है, मिट्टी भी साफ नहीं हो रहा है, बहुत सारे पैसे पास हो रहे हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ,
जो नगर निगम का अधिकारी उसे मांग करना चाहता हूँ कि घाटों को सफाई बहुत जल्द से जल्द करें। नगर निगम के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान अब मूर्त रूप लेने लगा है। नगर निगम के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान अब धरातल पर नजर आने लगा है। परेड कोठी क्षेत्र स्थित 33,000 स्क्वायर फीट जमीन जिस पर काफी दिनों से लोगों का अवैध तरीके से कब्जा था, उसे नगर निगम प्रशासन द्वारा 2 महीने पूर्व मुक्त कराकर उसकी बाउंड्री करने के बाद वहां पर अब नगर निगम का वर्कशॉप शुरू कर दिया गया है। इस वर्कशॉप के बनने से नगर निगम के चारों तरफ जो गाड़ियां खड़ी होती थी जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती थी, उसका समाधान करते हुए नगर निगम प्रशासन ने उस पर कब्जा किए हुए भूखंड पर इस तरह का वर्कशॉप बनाकर सभी गाड़ियों को अब वहां पर भेजने का कार्य कर रही है, जिससे शहर में अब और स्वच्छता और सुंदरता नजर आएगी। ये नगर निगम की संपत्ति थी जो पूर्व में कुछ कतिपय लोगों ने कब्जा किया था। हमने उसको 2 महीने पहले उसको कब्जा मुक्त कराए। 35,000 स्क्वायर फीट वो जमीन है, उसको हम लोग बाउंड्री करके जो नगर निगम के ऑफिस के अगल बगल जो रोड पे हमारे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी उसको हम लोग वर्कशॉप बना रहे हैं। और नगर निगम के अगल बगल गाड़ी करने से कई लोगों को समस्याएं होती है, रोड जाम होता था, तो एक जगह हम लोगों ने वर्कशॉप बना दिया है और वहीं पर सब गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। कोऑप्टेक्स अपने ग्राहकों के लिए दीपावली और दशहरा पर विशेष ऑफर शुरू करने जा रहा है। तमिलनाडु हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को रूप से कोऑप्टेक्स के रूप में जाना जाता है, जो अपने 150 राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से पिछले 88 में अधिक वर्षों से अपने राष्ट्रव्यापी ग्राहकों की सेवा कर रहा है। वाराणसी के कुबेर कॉम्प्लेक्स में इसका शोरूम है। इस दशहरा और दिवाली त्यौहार के लिए सेल्स कोऑप्टेक्स ने सभी के लिए 30 नवंबर 2023 तक की अवधि के लिए अपने ग्राहकों के लिए सभी उत्पाद पर 20% से 30% तक की विशेष पेशकश लागू की है। इस ऑफर का जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा मंगलवार को अपराहन डॉक्टर पी नरसू निदेशक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम में MN रमेश क्षेत्रीय प्रबंधक कोऑप्टेक्स, पी बाला मुर्गन प्रबंधक, अनुज डिटवानिया, सुशील कुमार यादव प्रबंधक कोऑप्टेक्स वाराणसी उपस्थित थे। तमिलनाडु में बुनकर लोगों के द्वारा एक सहकारिता के माध्यम से जो सोसाइटी बना के वहीं इनकी जो ये साड़ी और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं इनको बनाया जाता है, और सरकार की मदद से ये अलग अलग राज्यों में इनका शोरूम रहता है। और अभी दशहरा के दृष्टिगत अब की बार ये अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे दे रहे हैं, और क्योंकि बुनकरों से जुड़ा हुआ है, सहकारिता से भी जुड़ा हुआ है। भारतीय जीवन पद्धति ही इंटरनेट एडिक्शन से बचाव का उपाय है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मनोज तिवारी ने सिटी वाराणसी लाइव के साथ बातचीत में बताया कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है जिसे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस थीम है मानसिक स्वास्थ्य सार्वभौमिक मानवाधिकार है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का अधिकार है। आधुनिक समय में इंटरनेट का अधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक चुनौती दे रहा है। इंटरनेट एडिक्शन होने पर व्यक्ति बिना किसी कार्य के भी इंटरनेट पर समय व्यतीत करता रहता है, और यदि उसे इंटरनेट से वंचित कर दिया जाए तो उसमें घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, तनाव, बिना कारण क्रोध करना व इत्यादि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 8% जनसंख्या इंटरनेट एडिक्शन से ग्रस्त है। इंटरनेट एडिक्शन बढ़ने का कारण मोबाइल का सस्ता होना, इंटरनेट का रिचार्ज का सस्ता होना, एकांकी परिवार हर हाथ में मोबाइल होना इत्यादि। इंटरनेट एडिक्शन का बढ़ने का जो कारण है वो सबसे पहला कारण है कि जो मोबाइल की अवेलेबिलिटी हो गई इजिली, इंटरनेट का जो पैक है वो सस्ता हो गया। तीसरा जो है कि एकांकी परिवार हो गया, लोगों को दूसरों से मिलने जुलने बातचीत करने का अवसर नहीं होने के कारण लोग अपने को मोबाइल पे अटैच कर रहे हैं। ये सब कारण है जिससे लोग जो है मोबाइल एडिक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। जो लक्षण आ रहे हैं, जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं, वो सर दर्द है, जो है आँख की समस्या है, भूख कम लगना है, वजन बढ़ना है, एकाग्रता में कमी है, पढ़ाई लिखाई या काम में मन नहीं लगना, ये सब इसके दुष्प्रभाव है। और जो यदि हम लोग इसके बचाव के उपाय की बात करें तो सबसे पहले विषय ये है कि मोबाइल हम लोग तभी अपने पास रखें जब हमें काम हो। जब हमारे पास मोबाइल का कोई काम ना हो तो हम जो है अपना जो मोबाइल है वो दूर रखें, पॉकेट या हाथ में ना रखें। दूसरा वो जो है जो इंटरनेट है, जो रिचार्ज है, वो छोटा रिचार्ज करें, उतना ही रिचार्ज करें जितना कि काम हो। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो युवा हैं वो केवल
अपना जो नेट पैक है वो ख़त्म करने के चक्कर में मोबाइल पे लगे रहते हैं, जिससे कि एडिक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक है। विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह सिगरा क्षेत्र में संपन्न हुआ। मंगलवार को विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह सिगरा स्टेडियम के पीछे जिला कार्यालय पर दोपहर 3 बजे से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव के साथ साथ रुद्र कुमार पाठक एवं मंडल प्रभारी तपेश्वर चौधरी के द्वारा हुआ। कार्यक्रम में विश्व हिंदू महासंघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे एवं जिला एवं महानगर के तमाम मातृ शक्तियां एवं जिला महानगर अध्यक्ष भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रुद्र कुमार पाठक, तपेश्वर चौधरी, आशुतोष ओझा, गीता रानी, नीरा श्रीवास्तव, अंजू श्रीवास्तव, शशि विश्वकर्मा, प्रमोद तिवारी, राजेश्वर, अनिल यादव, विजय कुमार, डॉक्टर सोगी चौबे, संजय तिवारी, हिमांशु मौर्य आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महानगर अध्यक्ष भारत भूषण ने किया। अगर हम हिंदू संगठित नहीं हुए हिंदुत्व के लिए, अगर हिंदुस्तान में अगर हम काम नहीं करेंगे, डर कर रहेंगे, तो आने वाला दिन, आने वाला समय हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। हम आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को आज इस मंच से चेतावनी देना चाहते हैं कि जो लोग, मुट्ठी भर लोग, जो किसी जाति के, किसी धर्म का के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति बंद कर दे। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और इससे पहला अधिकार हम हिंदुओं का है। हिंदवा सहोदरा सर्वे, सारे हिंदू सहोदर हैं, भाई हैं। हम सामाजिक समरसता और इस तरह की चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। हम जाति पात ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए अपने इस संगठन में तन मन धन से लगे रहते हैं और महाराज जी के हाथों को मजबूत करने का प्रयास किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।